नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली पुलिस को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश के इनपुट काफी पहले मिल गए थे। आला अफसरों का दावा है कि पंजाब पुलिस को अलर्ट भेजा गया था। इसके बाद पिछले महीने गैंगस्टर शाहरुख को स्पेशल सेल ने पकड़ा था। इसने खुलासा किया था कि फरारी के दौरान तिहाड़ में बंद लॉरेंस विश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के संपर्क में था। दोनों ने मूसेवाला के मर्डर की सुपारी दी थी। इसे भी पंजाब पुलिस से शेयर किया गया था। इसके बावजूद मूसेवाला की सुरक्षा बढ़ाने की बजाय कम करना चौंकाने वाला है। इसके अगले ही दिन मूसेवाला की हत्या भी हो जाती है। मोहाली में सरे बाजार युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह की 7 अगस्त 2021 को गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अफसर बताते हैं कि विकी लॉरेंस और गोल्डी का करीबी था। हत्या की जिम्मेदारी आर्मेनिया से बम्बीहा गैंग चला रहे गौरव उर्फ लकी पटियाल ने ली थी। पुलिस अफसरों ने बताया कि लॉरेंस गैंग से जुड़े कई बदमाश पकड़े गए हैं, जिन्होंने पूछताछ में बताया था कि मूसेवाला बम्बीहा ग्रुप को फाइनेंस करता था। विकी के मर्डर में वो शामिल था, इसलिए लॉरेंस गैंग का अगला टारगेट वही है। इसे भी पंजाब पुलिस से शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 15 और 16 सितंबर 2021 को शाहरुख के खास गुर्गे गोविंद सिंह थापा उर्फ डैनी को दबोचा। इससे पता चला कि शाहरुख अब लॉरेंस के गैंग का हिस्सा है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।